हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रंजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ आरपी रिचवेयर द फुटवेयर सॉल्यूशंस में। इस चैनल पे आपको मिलेंगे फुटवेयर रिव्यूज। आज गाइस जो मैं अनबॉक्स रिव्यू करने वाला ना भाई, आज मैं एशियन ब्रांड का पॉपकॉर्न 2 आर्टिकल को रिव्यू करने वाला हूँ। ये गाइस पॉपकॉर्न 2 आर्टिकल है, इसके पहले भी मैंने पॉपकॉर्न 1 आर्टिकल को भी रिव्यू किया भाई, तो आप मेरे स्पोर्ट्स शूज प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। अब गाइस जो पॉपकॉर्न 1 आर्टिकल था ना भाई, वो कैंपस फर्स्ट आर्टिकल के जैसा था, ठीक है, मतलब दिखने में ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम ही था। तो कंपनी ने भाई ये नया आर्टिकल लॉन्च किया है पॉपकॉर्न 2 आर्टिकल। भाई इसके एमआरपी ऑलमोस्ट 2000 रुपए का आसपास है। अब मुझे यही समझ में आती है यार कि ये लोग एमआरपी इतनी ज्यादा क्यों रखते हैं यार। और आपको ना गाइस ये एशियन ब्रांड ने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने मिलेगा कि एमआरपी इतनी ज्यादा हो जाती है, फिर उसमें 30-40% डिस्काउंट या 50% तक भी डिस्काउंट उस पे आपको देखने मिल जाता है। बट दैट इज नॉट अ गुड साइन यार, यू आर जस्ट मिसलीडिंग कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट यार। और गाइस हम ये देखेंगे गाइस कि ये शूज जो पॉपकॉर्न 2 आर्टिकल जो है, क्या वो पॉपकॉर्न 1 आर्टिकल के बाद जब कंपनी ने ये लॉन्च किया तो कुछ इसमें सुधार वगैरह कुछ किया है या नहीं, ठीक है। तो आओ गाइस फटाफट इसको अनबॉक्स एंड रिव्यू करेंगे, ठीक है, आ जाओ। एज वेल चेकआउट गाइज, ये मैंने 1345 रुपीज में खरीदा है। इसके एमआरपी तो 2000 रुपए की है, ठीक है, एमआरपी को मारो लात, ठीक है, एमआरपी को देखो ही मत। ये गाइज ये बॉक्स आया, इसको बॉक्स पैकेजिंग की बात करूँ भाई, तो इसको मैं डेफिनेटली 7 तो दे ही सकता हूँ 10 में से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वेयर एंड टेयर हो चुका है इसमें। सबसे पहले गाइज मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ ना यार। ये देखो गाइज, इसका स्पेसिफिकेशन ये है पॉपकॉर्न 02। ये बेसिकली नेवी कलर मैंने मंगाया, 8 नंबर साइज मैंने मंगाया था, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा क्या भाई, ये अक्टूबर 2021 की मैन्युफैक्चरिंग, आप समझ रहे हो मैं अक्टूबर मंथ पे शूट कर रहा हूँ भाई, इतना लेटेस्ट प्रोडक्ट कैसे आ रहा है कंपनी, आप नजदीक से देखो यार, मैं झूठ नहीं बोल रहे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो अक्टूबर 2021 का प्रोडक्ट, मतलब इतना लेटेस्ट प्रोडक्ट, कमेंडेबल यार, कमेंडेबल। और मैं फटाफट इसको मैं खोलूंगा भाई और देखूंगा क्या ये शूज हमें 2000 का हमारे बहुत ज्यादा ही है, ठीक है, उसको इग्नोर कर दो भाई। अगर मैं इसको 1345 रुपीज में लूँ तो क्या ये शूज जस्टिफाइड है या नहीं, ठीक है। ये मैंने शूज के दोनों निकाल लिए हैं, लेफ्ट और राइट। इसके अलावा इनकी हमें कैरी बैग मिल जाती है, विच इज रियली वेरी गुड। और इस तरीके से मैं ये बॉक्स को कर देता हूँ बंद। बॉक्स में क्या देखने मिल रहा है भाई, बॉक्स से बहुत ही ज्यादा प्रीमियम चीज या वीरेंद्र सहवाग जी की फोटो देखने मिल रहा है, ठीक है, विच एड्स अ मोर प्रीमियमनेस टू दिस ब्रांड। गाइस इस तरीके से ये शूज है भाई, और ये शूज मैंने हाथ में ले लिए, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन ये शूज का, तो अगर मैं ये शूज मंगाऊ मेरे पास आए, मैं फील लू ना भाई, पहली दफा क्या लगी यार कि भाई 1340 रुपए या 1349 रुपीज अगर मैं पे करूँ ना भाई, थोड़ा मुझे लगेंगे भाई कि मैंने ज्यादा पैसे दिए हैं। और गाइस पहले कंप्लीट लुक देख लो गाइस, ये है इस ब्रांड का ये शूज पॉपकॉर्न 02 का कंप्लीट लुक। गाइस लुक वाइज बहुत ही सोबर लुक है, आप समझ रहे हो ना, एक बहुत ही ज्यादा वो डिसेंट लुक वाली फीलिंग आती है गाइस, ऐसा नहीं लगता कि भाई बहुत ज्यादा तामझाम है इशूज में, ये एकदम डिसेंट लुक गाइस। अब गाइस वो साफ बात करो, मैंने इसका पॉपकॉर्न 01 को भी रिव्यू किया है, ठीक है, अगर मैं उसको और इससे कंपेयर करूँ ना भाई, तो मेरे को डेफिनेटली वो चेंजेस इसमें फील होते भाई, मतलब इसमें लगता है भाई कि कंपनी ने बहुत, मतलब कंपनी ने मेहनत करके इसको काफी ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया है। गाइस ये टैग की बात करो गाइस, यहाँ पे अपने को ये वीरेंद्र सहवाग जी का टैग मिल जाता है, मुझे कितनी बार भी उठना पड़े मैं उठूंगा गाइस, डोंट वरी, ठीक है, ये टैग मिल जाता है। उसके अलावा पीछे की तरफ यहाँ पे ना कुछ इन लोग का, मतलब वो जो अपर के बारे में तारीफ कर रहे हैं, ब्रीदेबल फैब्रिक है, एक्स्ट्रा टोक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, इस तरीके से है, जिसका सपोर्टर्स में निकाल लेता हूँ गाइस। और एक चीज भाई मैं क्या ऑब्जर्व देखने मिल रहा है, देखो एक चीज ये देखने मिल रहा है कि यहाँ पे ये लोग है ना, ये एशियन ब्रांड की मेमोरी फोम की इंसोल मिल जाती है हमें यहाँ पे, ठीक है, डेफिनेटली बात है आपको इसमें वो कंफर्ट मिलेगा, ठीक है। डोंट कंपेयर दिस विद दैट, दिस विद दैट, मतलब डोंट कंपेयर दिस विद दैट कैंपस वाली इंसोल, ये अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है। अगर गाइस अपर की बात करो ना भाई, अपर में जो ये मैच ये लोग जो यूज करें ना भाई, अब मानो ना मेरे को पॉपकॉर्न 1 से बहुत ज्यादा अच्छा लगा है ये शूज, मतलब हाँ वो मेरे को इतना नहीं लगा था, बेसिकली मतलब पूरी कैंपस फर्स्ट की कॉपी लग रही थी यार। इस शूज से पहले मैं ब्रांडिंग दिखा देता हूं गाइस, चेकआउट टैंक पे यहाँ पे आपको ये ब्रांडिंग मिल जाती है एशियन ब्रांड की। उसके अलावा शूज की यहाँ पीछे की तरफ यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगी, उसके अलावा इस तरफ यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगी। सोल पे बेसिकली ब्रांडिंग नहीं होती है, उसके भी नहीं थी पॉपकॉर्न 01 के, ठीक है। चलो गाइस आईलेट्स की बात करते हैं, तो चेकआउट ये गाइस आईलेट्स में आपको टीपीयू का ये पोर्शन मिल जाता है, ठीक है, ये वाला टीपीयू है, ये भी टीपीयू है, मतलब इसमें क्या होता है ना, लेस पे कितनी बार टाइट खींचेंगे ना अपन, तो अपर पे इतना इफेक्ट नहीं आता। सोल वाइज बात करो भाई, तो सोल अपने को यहाँ पे एवा मिल जाते हैं, यहाँ पे पीछे का ये जो पोर्शन ये अपने को ट्रांसपेरेंट टीपीयू मिल जाता है, इसमें अपने को बेसिकली बीट्स टाइप जो होता है ना भाई, वो अपने को यहाँ पे इंजॉय करने मिल जाता है, ठीक है। मतलब आप मानो मेरी बात यार, ये बीट्स मेरे को बहुत ज्यादा प्रीमियम लगते हैं यार, ऐसा लगता है अपने कुछ एक अलग शूज खरीदे, बिकॉज पूरे मतलब आप पूरे वही सोल वाले शूज लेके तो अपन बचपन से वही पहन रहे हैं यार, तो ये कुछ हटके अपने को मिल जाता है। और एक बहुत दफा भाई लोगों को भी ये कंफ्यूजन हुआ है, क्या हुआ है पता है क्या, कि भाई ये जो होता है ये टीपीयू का जो पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट टीपीयू पोर्शन, ये वाला क्या ये टूट जाता है, क्या ये निकल जाएगा बीट्स में से, तो भाई आप मानो मेरी बात, जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही एक्सट्रीम या बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशंस में क्या आप कहीं पे चल रहे हो या कोई बोलते ना खिल्ला विल्ला लग गया, या फिर ऐसी कोई सरफेस पे अगर आप चल रहे हो जहाँ पे वो ये जिसको हमें हर्ट हो,
तभी जाके वो होगा, वरना आप जनरली अगर रेगुलर यूज करते ना रोड वगैरह पे भी आप चल रहे हो और अगर आप गार्डन वार्डन में भी दौड़ने वाड़ने के लिए यूज करते हो भाई, तो वहाँ पे इसको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो दिमाग से अपने को मेथ निकाल दो यार। लुकू वाइज अगर बात करो ना भाई, तो पॉपकॉर्न 01 आर्टिकल से मेरे को ये लुक ज्यादा अच्छा लगा इस कम्पेयर टू प्रीवियस इनके पॉपकॉर्न 01। और एक चीज इनके चेंजेस ये मिल रहे हैं मेरे को भाई, आपने अगर मेरा पॉपकॉर्न 1 आर्टिकल देखा होगा ना उसका रिव्यू, तो मैंने उसमें एक चीज को कोट किया था, दिखा दो नजर से दिखा दो। देखो ये जो भी ये लोग लाइनिंग जो यूज करते ना बेसिकली इस तरफ ये वाली, तो पॉपकॉर्न 1 आर्टिकल में कैसा था ना कि ये जो यहाँ तक की लाइनिंग थी बस ये पार्ट पूरा खुला था उसमें, ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई भी स्टिचेस नहीं थी। लेकिन भाई वो लोग ने सुधार दिया भाई, यहाँ पे वो लोग ने पूरी यहाँ पे पूरे नीचे भी यहाँ पूरी की तरफ यहाँ पे स्टिचिंग ले लिए लोग ने, मतलब यार ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार ये लोग मेरा रिव्यू देख रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आरपी रिचर्ड वाला क्या करेक्शन बोल रहा है, तो वो करेक्शन ये लोग अपने अगले प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं। नेसेसरी नहीं ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है यार। लुक वाइज बात करूं भाई तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम है, ठीक है, लाइट वेट के साथ। अगर मैं कॉलर की कुशनिंग की बात करूं ना भाई, तो कॉलर में भी काफी सेटिस्फैक्ट्री कुशनिंग है। आई नो गाइस, लेकिन 1400-1500 रुपए अगर इस आर्टिकल के लिए दूं ना, मैंने 1349 में लिया, अब जब मैंने अभी लेटेस्ट चेक किया ना भाई, तो ऑलमोस्ट अराउंड 1000 रुपए के आसपास ही मिल रहा था। तो मैं मानो मेरी बात, 800-900 रुपए तक तो भाई ये आर्टिकल बहुत बाप है। यू आर गेटिंग समथिंग लाइक ये बीट स्टैक टेक्नोलॉजी। गाइस अगर आपने कैंप पे तो स्पार्क से काफी सारे आर्टिकल ट्राई कर लेना भाई, 800-900 रुपए में अगर आपको ये आर्टिकल मिलता हो ना मेरे हिसाब से, ठीक है, 800-900 से ज्यादा नहीं, 1000 भी चल ठीक है, 1100-1200 रुपए मत ये अब 900, मतलब ये प्योरली मेरा ओपिनियन है ना, आई एम नॉट टेलिंग कि मैं जो बोलूँ पत्थर की लगी रहे भाई, लेकिन मैं जो अब तक जो मैंने इतना मेरा फुटवेयर का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस आर्टिकल के लिए आप 900-1000 रुपए अगर दो ना, तो मेरे ख्याल से उतने ही प्राइस को देने बनते हैं। गाइस की टंग कुशनिंग की बात करें तो टंग कुशनिंग भी काफी इसकी ठीक है, ठीक है, मतलब यार लगता है यार पॉपकॉर्न 01 से उन्होंने काफी सीखा है और इसको एक बहुत ही ज्यादा बोलते ना रीडिफाइंड प्रोडक्ट बनाया है। अब गाइस शूज की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करो ना भाई, तो आपको इसमें ये वैम पोर्शन जो होता है ना, इसमें बेसिकली इतनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, ठीक है, अब इतनी ही चाहिए भाई आपको, इतना क्यों मोड़ना, अपना पैर ऐसा मोड़ दो क्या, नहीं मोड़ते ना, तो इसमें वो टेस्ट मत किया करो, ठीक है, जितना चाहिए ना आप रनिंग के लिए इतना ही मूवमेंट होता है, ठीक है, तो रनिंग के पर्पस के हिसाब से अगर आप लेंगे ना, तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मतलब मेरे को पर्सनली मैंने आपको बोलता भाई 800-900 रुपए के आसपास अगर आपको ये चीज अगर एक बार अगर मिल रही है ना ऑनलाइन, तो मेरे ख्याल से आपको अगर ये ट्राई करना ना समथिंग लाइक दिस बिट स्ट्रैप पैटर्न एशियन ब्रांड में, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करो, आपको मजा आएगा। और एक होता है यार कुछ अलग टाइप के शूज पहनते ना अपने, बीट स्ट्रैप अपने को अगर पहले अपने नहीं पहना, इस टाइम अगर लेगे और पहनेंगे ना भाई, तो एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आता है, लगता है मैंने कोई शूज खरीदे यार। आओ गाइस फटाफट इसको पहन के भी चेक करेंगे क्या ये शूज कैसा है, मतलब इनसोल कैसी है, कॉलर कुशनिंग अपने को फील होती है नहीं, और फिटिंग विटिंग वाइज कैसा है यार, ठीक है आ जाओ। तो गाइस ये मैंने ये पॉपकॉर्न 02 आर्टिकल पहन लिया मेरे भाई, इनसोल वाइज कंफर्ट की बात करूं तो भाई वो इनसोल की कंफर्ट अपने को फील होती है, ठीक है। फिटिंग वाइज बात करूं भाई तो फिटिंग वाइज एकदम ऑसम है, ठीक है, फिटिंग वाइज कहीं भी ऐसा नहीं कि टाइट है लूज है। अगर आपको 8 नंबर आते तो आप 8 नंबर मंगाओ, अगर 9 आते तो 9 मंगाना, 6 आता तो 6 मंगाना, 7 आता तो 7 ही मंगाना, ऊपर नीचे बिल्कुल मत मंगाना, ठीक है। अब गाइस इसको अगर पहन के अगर मैं चल रहा हूँ ना, मैं इसको फील ले रहा हूँ ना भाई इंसोल की, तो डेफिनेटली बात है, देखो इंसोल मैंने पहले ही कहा, इंसोल डेफिनेटली वो कंफर्ट एक फील होती है अपने को, ठीक है। उसके अलावा और क्या देख रहा हूँ मैं कि कॉलर कुशनिंग जो पीछे की कुशनिंग जो होती है ना कॉलर की, वो भी अपने को काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। मैंने विदाउट सॉक्स भी पहना तो भी वो कहीं पे भी ऐसा इचीनेस नहीं लग रहा है, पीछे से भी एक कंफर्ट लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा गाइस लुक तो मैंने पहले ही बोला, देखो मैंने नेवी ब्लू कलर मंगाया और इस तरीके से लग रहा है भाई, मतलब लुक वाइज भी काफी ठीक है, ठीक है। इन शॉर्ट गाइस अगर मैं बात करूँ ना, मेरे को पॉपकॉर्न 01 से पॉपकॉर्न 02 आर्टिकल काफी ज्यादा अच्छा लगा इस कंपेयर टू, तो लेकिन भाई रेट की ही बात, अगर आपको 800-900 रुपए तक मिल जाएगा तो आप इसको डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अदर ब्रांड्स में क्या होगा, 800-900 में आपको ईवा सोल मैश अपर तो मिल जाएगा भाई, बट इसमें आपको एडिशनल क्या मिलेगा, आपको बीट्स मिल जाएगा ना 800-900 में, तो दैट एड समथिंग, तो उसको अपन कंसिडर कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। कंफर्ट भी अच्छा है क्या, जो साफ बात करूँ, और ऐसा नहीं कि हमारे कैंपस की तारीफ फॉर में, जो भी प्रैक्टिकल अपना ओपिनियन देता हूँ, ठीक है। एक बार मीत तो निकाल देना दिमाग से कि बीट्स निकल जाते भाई, वो नहीं निकलता, अगर वो निकलती थी तो कंपनी ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनाएगी मेरे भाई। और अब मानो मेरी बात गाय, तो पीछे का जो बीट्स का जो आउटर जो पोर्शन होता है ना, जो आउट मतलब आउटसोल जिसको बोलते हैं, जो भी अपन बोलते हैं उसको, वो बहुत ज्यादा हार्ड है भाई, तो वो हार्ड होने की वजह से वो इतना इजीली भाई वो नहीं, तो आप पत्थर वत्थर पे कैजुअली चल रहे हो, अगर पत्थर वत्थर भी लगेगा ना भाई, तो वो नहीं टूटेगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो। सो गाइस कंसीडरिंग दिस शूज गाइस, अगर आपका बजट 800-900 रुपए के आसपास है और ये अपने को अगर उसने में ही मिल रहा ना, तो ये बहुत ज्यादा गजब शूज है। 2000 रुपए तो छोड़ देना मेरे भाई, वो बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाती है, ठीक है। टू शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड जो प्लान आउट कर रहे स्पोक शूज खरीदने के लिए, उसका बजट अगर 800-900 रुपए का है ना, उसको बोलना भाई रंजीत का रिव्यू देख ले आरपी रिचवर चैनल का, ठीक है। अब उसको बोलना सब्सक्राइब करके जाए यार, काम का बंदा है, अपने फायदे के रिव्यूज लेके आता है बेसिकली, तो टेल हिम टू सब्सक्राइब बेसिकली, ठीक है। अब गाइस जैसे मैंने पैर निकाला ना शूज में से भाई, तो ये तुरंत बाहर आ गए, तो आई विल रिकमेंड भाई आप जैसे भी जब भी ऐसे शूज पहनोगे ना भाई, तो वो सॉक्स के साथ ही पहनो, ठीक है। ये भाई मैंने कभी कैंपस बनाने में निकाला नहीं, ठीक है, पता ये तो मेरे को लगता है खुद चाहता था कि मैं बाहर आऊँ रंजीत के हाथ में और लोगों को दिखूं, मतलब इसको मैं फील कर रहा हूँ ना भाई, तो इसमें डेफिनेट बात तो कुछ नहीं अपने को फील होती है, ठीक है। कंसीडर दिस शूज, इफ दिस शूज रेट इज अराउंड 800-900 रुपए के आसपास, और 900 भी ज्यादा, मतलब 800-850 के आसपास होगा ना, डेफिनेटली टूथ पड़ना है शूज पर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज।